उत्तर प्रदेश के कांवड़ यात्रा के रोड पर नाम पर फरमान पर बीजेपी में ही दो आवाजें उठने लगी है। पहले मुख्तार अब्बासी नकवी ने प्रशासन के फैसले को हड़बड़ी में गड़बड़ी बताया, तो योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल खुलकर फैसले के साथ थे। उन्होंने कहा कि मैंने ही प्रशासन को ये मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कई देवी देवताओं के नाम पर होटल चलाकर नॉन वेज बेचा जा रहा है। वहीं दूसरी या समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद से एसटी हसन ने कहा कि सरकार के फैसले से मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी इस फैसले को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कपिल देव अग्रवाल का इस मामले पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। देखिए, विषय भी कोई स्पष्ट है, हरिद्वार गौमुख से देश भर का कांवड़िया जल लेकर के अपने गंतव्य की ओर जाता है और विशेष रूप से उसको मुजफ्फरनगर में आना पड़ता है और मुजफ्फरनगर के सब लोग पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करते हैं। तो विशेष रूप से देखने में ये आया है कि कुछ लोग अपनी दुकानों के नाम, ढाबों के नाम, रेस्टोरेंट के नाम हिंदू धर्म के नाम पर लिखते हैं और जबकि चलाने वाले उनके मुस्लिम लोग होते हैं। मुझे यहाँ तक भी कोई आपत्ति नहीं है। दिक्कत यहाँ आती है कि जब वो अपनी दुकान में नॉनवेज बेचते हैं, यानी हिंदू धर्म के वैष्णो ढाबा भंडार, शाकुंभरी देवी भोजनालय, शुद्ध भोजनालय ऐसा लिख करके, गणपति धाम शुक्र भोजनालय ऐसा लिख करके उसमें नॉनवेज बेचते हैं, तो उसमें बड़ी आपत्ति होती है, पीछे भी झगड़े हुए हैं। तो मेरी डिमांड ये थी जिला प्रशासन से, शासन से, कि ऐसे ढाबों पर उन लोगों के नामांकित किया जाए और नामांकित किया जाए साथ साथ ऐसे लोग जो नॉनवेज बेचते हैं अपने ढाबों के नाम पर कम से कम अपना नाम स्पष्ट लिखें और हिंदू देवी देवताओं के नाम का प्रयोग ना करें। मंत्री जी, आपके आदेश के बाद जितने भी ढाबे हैं उनके जो चालक है उन्हीं का नाम लिखा जा रहा है, प्रो जो नाम है, और जो फल वाले हैं फलों के उस पर भी एक तख्ती लगा दी गई है उन्हीं के नाम से, इसमें आपत्ति क्या है? इससे मुझको नहीं लगता, जिन लोगों ने ट्वीट कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी ट्वीट कर रहे हैं, ओवैसी जी ट्वीट कर रहे हैं, उनको वे सब बातें तब याद नहीं आती जब बहुत सारे लोग, हमने देखा कई वीडियो जाहिर हुई हैं कि लोग थूक रहे हैं रोटी के ऊपर, रेस्टोरेंट में थूक भी रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तब ओवैसी जी को और अखिलेश यादव याद नहीं आती। आज अगर अपनी पहचान, हम कहीं भी जाते हैं अपनी पहचान तो होती है, आप ट्रेन में जाइए, आप फ्लाइट से जाइए, एयरपोर्ट के अंदर जाइए, तो सबके नाम की होती है। अगर नाम की पहचान हो रही है तो आपत्ति क्या है? इसमें कोई विद्वेष नहीं है, झगड़ा ना हो, आपस में किसी प्रकार का तनाव ना हो, क्योंकि कांवड़ियों के साथ अगर कोई ऐसा मामला होता है तो वह झगड़े के कारण बनता है। मंत्री जी, आपके बयान के बाद पूरा विवाद अब इस समय विवाद नहीं है, विवाद कुछ लोग इसको अनावश्यक रूप से तूल देने का काम कर रहे हैं। हमने इसको ना को धर्म की बात की है, ना हमने विवाद का विषय किया है, हमने केवल ये कहा है कि जो नॉनवेज बेचते हैं या ऐसे लोग हैं जो अपने नाम से ढाबा चलाएं, नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज खाएं, नॉनवेज बेचने वाले नॉनवेज बेचें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नॉनवेज की दुकानें नहीं चलें। कांग्रेस सांसद जो सहारनपुर से है, उनका एक बयान आया इमरान मसूद का, उनका कहना है कि सरकार अपनी तानाशाही चला रही है और तानाशाही के चलते इस तरह के तख्ते लगाए जा रहे हैं मुस्लिमों को चिन्हित। अब वो क्या कहते हैं मेरा विषय नहीं है, मेरी भावना को समझिए, और मेरी नहीं, कांवड़ियों करोड़ों की संख्या, 5-7 लाख 5-7 करोड़ कांवड़िया हरिद्वार से जल लेकर के चलता है, उसको वो पूरे देश भर के होते हैं, उनको नहीं पता होता कि वे कौन हैं, दुकानदार कौन है, उसका नाम क्या, ये विषय नहीं है, पर उनके नाम पे अगर उनका धर्म भ्रष्ट होता है, उनको नॉनवेज दुकान में जाके बैठना पड़े तो पूरी कांवड़ का पवित्रता ही भंग हो जाती है, फिर दोबारा जल लेकर जाना पड़ता है, और दोबारा जल लेकर आएगा तो दोबारा बेचने चढ़ाएगा, तब तक वो टाइम निकल चुका होता है। तो इस प्रकार के विवाद से बचने के लिए ये विषय मैंने रखा और मुझको लगता है प्रशासन अपना काम ठीक प्रकार से। मंत्री जी, एक हाईवे का होटल है साक्षी टूरिस्ट ढाबा, वहाँ पे जो मुस्लिम जो कर्मचारी थे उनको हटा देगा, उनका कहना कि पुलिस यहाँ पे आई थी, पुलिस के आदेश के बाद उन्होंने कहा पुलिस वालों ने जो भी यहाँ मुस्लिम कर्मचारी उन्हें हटा दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई निर्देश नहीं है, मुस्लिम भी काम करेंगे, हिंदू भी काम करेंगे, उनकी कोई जानकारी हो ताकि कांवड़िया अपना स्वयं का निर्णय करे। और मेरा मूल विषय के पीछे ये है कि किसी प्रकार का समाज में वैमनस्य ना हो, किसी प्रकार का समाज में विवाद। उधर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी सहित जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी दुकान पर नाम लिखने वाले आदेश पर सवाल उठाए हैं। केसी त्यागी का इस पर कहा गया है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने ये फरमान जारी किए हैं मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, रहने वाला हूँ और वहाँ ऊंची मात्रा में मुस्लिम आबादी है जिनकी कांवड़ यात्रा बनाने से लेकर रास्ते में स्वागत करने तक बराबर हिस्सा रहता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांवड़ यात्रा में एक दो घटनाओं को छोड़कर कोई भी ऐसी घटना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वह इसकी ओर समीक्षा करे और वह विपक्ष ने तो इसे सामाजिक अपराध बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को घेरा है। बीजेपी में आधिकारिक बयान में कहा कि सवाल कानून व्यवस्था का है। ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है,
ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक एक यात्रा का इतना इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे? आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ? ये एक प्रशासनिक विषय है, सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय भी हो सकता है। कहीं पर कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार अपने तो, मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? विषय कोई भी हो, मतलब वो आसाम से लेके केरल तक हो, वो विषय सुरक्षा से लेके केरल हाईकोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लव जिहाद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल में क्यों छुपे रहते हैं? विवाद गहरा होने के बाद भी पुलिस प्रशासन अपने फैसले पर अटल है। मुजफ्फरनगर के DIG ने यह तक कहा, आसपास के जिले शामली और सहारनपुर में भी यह लागू होगा। वहाँ पर कई बार रेट को और अन्य चीजों को लेकर समस्या उत्पन्न होती है। इस संबंध में सबसे वार्ता की गई और यह निर्णय लिया गया था कि जो भी कांवड़ मार्ग पे होटल है, ढाबे हैं, यहाँ सभी लोग रेट लिस्ट लगाएं और इसके साथ ही जो होटल और ढाबे हैं इनके मालिक जो है, जो प्रोपराइटर है, इनका नाम भी उस पर इंगित किया जाए, क्योंकि पूर्व में समस्या आई थी कि किसी अन्य संप्रदाय के या किसी अन्य व्यक्ति के नाम कोई दुकान है और किसी देवी देवता के नाम से दुकान वहां का नाम रखा गया है, जिसको लेकर कांवड़ समितियां और जो कांवड़िए बाहर से आते हैं उनके द्वारा विरोध प्रकट किया गया था। कांवड़ यात्रा के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान कि सभी दुकानें नेम प्लेट पर होना अनिवार्य है और पहचान भी बतानी होगी। कांवड़ यात्राओं की आस्था की शुभता बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। आदेश के मुताबिक हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान बेचने पर कार्यवाही की जाएगी। मुजफ्फरनगर के सांसद नरेंद्र मलिक ने कहा, कांवड़ यात्रा मुस्लिम माहौल इलाकों से गुजरती है तो बहुत से मुस्लिम परिवार कांवड़ यात्रियों की देखभाल भी करते हैं। कपिल देव के मुताबिक दुकानों पर हिंदू नाम रखकर नॉनवेज बेचने पर आपत्ति है, इसलिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खानपान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद अब हरिद्वार में भी अब कांवड़ यात्रा को लेकर ये फरमान जारी किया है। हरिद्वार के SSP ने किया फरमान जारी। कांवड़ियों की आस्था भंग ना हो इसलिए किए जा रहे हैं ये फरमान जारी। तो ये है अभी तक की ताजा अपडेट। अब उत्तर प्रदेश के बाद हरिद्वार में भी किए जा रहे हैं फरमान जारी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लिया जाएगा सख्त एक्शन। इसी पर कट्टर हिंदुवादी यशवीर महाराज का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मुजफ्फरनगर कांवड़ मार्ग पर मुसलमानों के बहुत होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फलों की दुकान है, जो अपने नाम और पहचान छिपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से चलाते थे। हमने पिछले वर्ष आवाज उठाई तो पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने उन सबको सील कर दिया था। अब की बार भी हमने आवाज उठाई तो मुजफ्फरनगर के DM साहब, कप्तान साहब और दूसरे अधिकारीगण 24 जून को सभी एकत्रित हुए और हमें भी उसमें बुलाया। हमारे से पूछा कि आपकी समस्या क्या है। हमने कहा कि हमारी यही समस्या है कि कोई भी मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर, अपने नाम को छिपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी कोई भी दुकान न चलाएं। तो हमें पुलिस प्रशासन मुजफ्फरनगर ने आश्वासन दिया कि ठीक है, अब कोई अपनी पहचान नहीं छिपाएगा। इसी पर समाजवादी पार्टी हरेंद्र मलिक का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। ये देखिए, भारत के संविधान के अवलोक प्रतिकूल कोई बात नहीं करनी चाहिए। सम्मानित पद पर बैठे, जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति, ये संभव नहीं है जो बात कहे हैं। हम लोग आपस में जाति धर्म में नहीं बढ़ सकते। आपको अगर कांवड़ वालों की वो करनी है तो उस पर जहाँ शाकाहारी है वहाँ शाकाहारी लिखवा दो, जहाँ मांसाहारी मांसाहारी लिखवा दो। मांसाहार तो वैसे बंद हो जाए, और तरीके बहुत हैं इस तरह की बातों से इन्हें ध्यान रखना चाहिए।
कहीं ना कहीं इससे विभेद बढ़ेगा।